इस मूवी का रिव्यू करने के लिए कुछ चीजें मुझे ऐसी कहनी पड़ेंगी जो शायद काफी लोगों को पसंद नहीं आएंगी और इवन मुझे भी वो पसंद नहीं आएंगी, बट क्या करूं, काम है, करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के बारे में। जब 2001 में इसकी फर्स्ट मूवी आई थी तब मैंने नहीं सोचा था कि कभी इस मूवी को मैं मतलब क्रिटिसाइज करूंगा। तो अब मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो आप लोगों को इसकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि जितनी ट्रेलर में बताया गया उतनी ही स्टोरी है। डोम का भाई जैकोब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वो दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता है। अब डोम और उसके बाकी के जो क्रू मेंबर हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है एट द एंड क्या होने वाला है। जैकोब और डोम के भाई के बारे में फ्लैशबैक में ले जाकर मूवी में दिखाया जाता है कि हाँ इन दोनों के बीच में दरार कैसे पड़ी। वही छोटे भाई बड़े भाई का खेल यहाँ पे देखने को मिलता है। हमने कितनी बार ये वाला कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि एक बच्चे को प्यार मिलता है, दूसरे बच्चे को प्यार नहीं मिलता। अब उसके पर दूसरे बच्चे के प्रति उसमें नफरत पैदा हो जाती है और वो बुरे रास्ते पे निकल जाते हैं। खैर वो सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला, क्या बता दिए क्या। अब मूवी की अच्छाई की बात करूं तो बस इतनी ही अच्छाई है कि हमें वो करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। कभी हमने जब 2001 में मूवी देखनी शुरू की थी फास्ट एंड फ्यूरियस की जो फर्स्ट मूवी आई थी वहां से, तो इतने टाइम से मतलब जितनी मूवीज आ रही हैं अब एक तरीके से दोबारा से काफी टाइम बाद वो करेक्टर हमारे सामने आते हैं तो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। मैंने कहा ना जब ये मैंने मूवी देखी थी 2001 में, मतलब ये जब आई थी तब तो नहीं देखी थी, इसको बहुत टाइम बाद देखा था अपने दोस्तों के साथ सीडी लाकर कंप्यूटर के ऊपर जब मैंने इसे देखा था, तो इसके साथ में ही बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर अब इस मूवी की कमियां ढूंढने बैठूं तो मुझे लगता है कि यार पूरी की पूरी मूवी में ही कमियां हैं। कुछ एक चीजें को छोड़ दे तो पूरी की पूरी मूवी के अंदर आप लोगों को कमियां ही नजर आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूं इस मूवी की स्टोरी से तो बहुत ज्यादा वीक स्टोरी है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। आप लोग जब इस मूवी को देखना ही शुरू करेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा इसके साथ मिलने वाला है और यहाँ पर चीजें जो है वो ऐसे सही होने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में ही आप इस मूवी का एंड डिसाइड कर सकते हो। और अब मूवी में एक्शन और गाड़ियों की रेस को लेकर यार इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी है, कहीं पर भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी एक्शन हमारे सामने दिखाए जाते हैं, बस सर पकड़कर यही सोचते हैं कि सच में मैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी देख रहा हूँ जो इतने टाइम से हमने देखी थी। इतनी सारी मूवीज हम देख चुके हैं, 2001 वाली जो फास्ट एंड फ्यूरियस की बात करूं और आज 2021 के अंदर फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आई है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं से भी आप लोगों को नहीं लगेगा कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो सच्चे से सोच समझकर बनाई गई है, बस धक्के से वो मूवी बनानी थी और इन्होंने बना दी। मैंने कहा ना फास्ट एंड फ्यूरियस को जब मैंने देखा था अपने दोस्तों के साथ तो इसके जैसी यादें जुड़ी हैं। हम सब दोस्त इसको जब मिलकर देख रहे थे तो बहुत हमने एंजॉय किया था। तो इस मूवी का महत्व है लाइफ में, क्योंकि जब भी इसको देखते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। और एक टाइम अब ऐसा आ गया है कि इस मूवी के बारे में नेगेटिव मुझे बोलना पड़ रहा है, बट क्या करूं, जो सही है वो कहना तो पड़ेगा। और आईएमडीबी के जब मैंने जाकर इसके बारे में देखा तो वहां पर मेजॉरिटी के अंदर इस मूवी को पसंद करने वाले इस मूवी के बारे में बुराई लिख रहे हैं, क्योंकि उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बहुत ज्यादा हर्ट की है। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर इस मूवी का नाम फास्ट एंड फ्यूरियस ना होता और ये करेक्टर ना होते जो हमने आज तक फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज में देखे हैं, तो शायद इस मूवी से हमें कोई ऐतराज ना होता, बस आती और हम इसको भूल जाते। लेकिन बुरा तो तब लगता है ना क्योंकि इसके साथ फास्ट एंड फ्यूरियस का नाम जुड़ा और इसमें वही करेक्टर जितने जिनको हम देखते आ रहे थे, तो इससे और ज्यादा दुख होता है। मूवी के अंदर कुछ भी चल रहा है, कोई इंसान जिंदा होकर हमारे सामने आ रहा है, अरे यार तुमने भारतीय मूवी का मतलब सीरियल लगा रखा है क्या, हाँ इस इंसान को मार दो, अब इस इंसान की जरूरत है वापस इसको जिंदा कर लो, इससे टीआरपी आ रही है। अरे यार ये वाला कॉन्सेप्ट क्या जरूरत थी डालने की, और तुमने उसको जिंदा करके भी कौन से तीर गाड़ लिए यार उसके अंदर। हाँ बस इतना है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के लिए एक स्टोरी मिल जाती है लास्ट में, जो पोस्ट सीन हमें देखने को मिलता है, हाँ बस यहां पर इस एक इंसान का ये काम आता है, अब फास्ट एंड फ्यूरियस 10 आएगी। अब वो भी नहीं पता कि कैसे होने वाली है, बस इतनी उम्मीद करेंगे कि यार जो यादें बनी है उसे खराब ना कर दो। सच कहूं जब ट्रेलर मैंने इसका देखा था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसके अंदर जॉन सीना भैया जो आने वाले थे मुझे लगा कि यार अब मूवी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे ही चली जाएगी। जब इस ट्रेलर के बारे में मैंने बात की थी सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैं पॉजिटिव था इस मूवी को लेकर। लेकिन जब इस मूवी को देखा तो एक तो मुंह मुरझा गया यार इसको देखकर, मैं यार क्या बना दिया है यार। और जॉन सीना भैया की एक्टिंग यार, उनको देखकर मुझे अर्जुन कपूर की याद आ गई, सेम एक्सप्रेशन, फाइट कर रही हैं, इमोशनल सीन आ रहा है, सेम एक्सप्रेशन, थोड़ा बहुत तो ट्राई कर लो यार। हाँ लास्ट वाला सीन इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन वो स्पेस वाला सीन यार मुझे हैरानी इस चीज की है कि यार तुम इतनी जल्दी चीजें कैसे कर रहे हो, सारी चीजें एकदम से आ जा रही हैं, रॉकेट तुमने बना दिया और सब चीजें वहां पर उड़ा दी हैं तुमने। मतलब वो सीन देखकर हजम ही नहीं होने वाला कि ये
सच में ये हो पा रहा है। अगर जिनको भी ये मूवी पसंद है, मतलब ये फ्रेंचाइजी, मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी पसंद है और उनको ये फास्ट एंड फ्यूरियस 9 देखने जानी है, तो उनको एक सलाह मैं देना चाहूंगा, अपना दिमाग आप अपने घर पे छोड़ के जाएं और भूल जाइए कि आप फास्ट एंड फ्यूरियस देखने जा रहे हैं। बस एक रैंडमली मूवी आई और आप उसे इंजॉय करने जा रहे हैं, इंजॉय तो नहीं हो पाएगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10 स्टार। यार 2 भी क्यों दे रहा हूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, बट बस ऐसे दे देना यार, इसके मतलब पुरानी मूवी है, हमने इसको देखा था और यादें जुड़ी हैं इसके साथ, बस इसलिए इसको दे दिया, वरना यार मतलब 0 के लायक भी नहीं है। हिंदी डबिंग में है, हिंदी डब में है ये अवेलेबल है और हिंदी डबिंग काफी अच्छी की गई, मतलब वही जो वॉइस हमने सुनते आ रहे थे वही वॉइस इसके अंदर भी है। कोई भी वल्गर सीन नहीं है, जो काफी अच्छी चीज है। एक्शन 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 है क्या यार? क्या जिन्होंने भी मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। मतलब इसका रिव्यू करते वक्त में मुंह मुरझा रहा है यार मेरा, सच में मतलब सोचा नहीं था। जिन्होंने नहीं देखी, आप लोगों को फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज पसंद है तो आप लोगों को दुख ही होगा जब आप मूवी देखोगे, सच में रियलिटी में दुख होगा जैसे मुझे हो रहा है, शक्ल से पता नहीं लगा रहे होगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।